हेलो फ्रेंड, दिस इज जिमी फ्रॉम कैन हैव एन इमिग्रेशन कनाडा। आपके लिए एक नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। नोवा स्कोशिया, जो कि आप जानते हैं अटलांटिक प्रोविंस है कनाडा की, जहाँ AIPP प्रोग्राम भी है, एक्सप्रेस एंट्री भी है, उनका अपना PNP प्रोग्राम भी चलता है। काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं आप PR लेने के लिए या कनाडा मूव होने के लिए। सो नोवा स्कोशिया ने भी अपना 2021 का पहला एक्सप्रेस एंट्री PNP लिंक्ड प्रोग्राम का जो इनविटेशंस है वो रिलीज़ की हैं। उन्होंने ये तो नहीं बताया अभी कि कितनी इनविटेशंस दी गई हैं, लेकिन उसमें से ये टारगेट स्पेसिफिक है। इसमें फाइनेंशियल ऑफिसर्स को टारगेट किया गया है। अगर आप फाइनेंशियल ऑफिसर्स हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस जो आपका नॉक कोड है 1114 1114, अगर आप उसके अंडर आते हैं तो आप डेफिनेटली, अगर आप बजाय बशर्ते कि आपने बाकी की सारी कंडीशंस भी फुलफ़िल की हैं उसकी प्रोग्राम की, तो आपको डेफिनेटली अब तक इसका नॉमिनेशन मिल गई होगी। जैसे हमें पता है कि प्रीवियस जो ड्रॉस थे उनमें से प्रोग्रामर, मीडिया डेवलपर, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री वर्कर, नर्सेज, फिजियोथेरेपिस्ट, चाइल्डहुड एजुकेटर, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स, ऐसे करके वो बहुत बार ऐसे ड्रॉज निकालते हैं कि जिसमें वो टारगेट एक अपना लेते हैं नॉक आउट और उसके अंडर ही कैंडिडेट्स को इनवाइट करते हैं। तो इस बार का जो नॉक आउट है वो है 1114 1114 फाइनेंशियल ऑफिसर्स। इसमें यह है कि आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, 4 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो एज ए फाइनेंशियल ऑफिसर, नॉट कोई और कैटेगरी में नहीं, एज ए फाइनेंशियल ऑफिसर उस नॉक कोड के अंदर, और आपको अपने एम्प्लॉयर से पुराने से आपको रेफरेंस लेटर जो लेना है उसमें फाइनेंशियल ऑफिसर ही होना चाहिए। बैचलर डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट 3 ईयर्स किसी भी इंस्टीट्यूशन से। और इस बार की जो नई अनोखी बात ये रही है कि जो लास्ट ड्रॉ था उसमें CLB 5 था मिनिमम, तो इसमें जो CLB लेवल है वो बढ़ के 9 हो गया है। CLB लेवल 9 और मोर इन इंग्लिश। फ्रेंच को इसमें उन्होंने तरजीह नहीं दी है, ये अच्छी बात है कि काफ़ी सारे हमारे कैंडिडेट होते हैं जिनको फ्रेंच अभी इतने अच्छी तरह नहीं आ रही होती या जिन्होंने कभी भी फ्रेंच का पाला नहीं पड़ा होता, तो इसमें उन्होंने सिर्फ इंग्लिश को टारगेट किया है। फाइनेंशियल ऑफिसर, 3 साल या उससे ज़्यादा की डिग्री, 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस और CLB लेवल 9 और हायर इन IELTS और इंग्लिश, जो भी हम कह सकते हैं। तो अगर आपका ये सारी कंडीशंस मेट होती हैं तो आपको नोवा स्कोशिया से अब तक इनविटेशन आ गई होगी। आपके पास 30 दिन हैं अपनी फुल एप्लीकेशन को सबमिट करवाने का। उसके साथ आपको लैंग्वेज टेस्ट, प्रूफ ऑफ एजुकेशन और प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे मैंने पहले बोला रेफरेंस लेटर या जो हम एक्सपीरियंस लेटर बोलते हैं वो होना चाहिए, तभी आपकी फ़ाइल कंप्लीट मानी जाती है। और साथ में बाकी की सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आपने भरे हैं फाइल में, एक्सप्रेस एंट्री में, जो भी आपने अपने बारे में भरा है। तो ये थी नई अपडेट नोवा स्कोशिया की PNP की तरफ से। सो दिस इज़ अगेन ए गुड न्यूज़। सो अब ऑलमोस्ट सारी प्रोविंसेस स्टार्ट हो गई हैं, कुछ एक दो को छोड़ के अभी उनके रिज़ल्ट आना बाकी हैं। तो आई विल ट्राई टू कीप यू अपडेटेड, जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन न्यूज़ आती है कनाडा इमिग्रेशन से रिलेटेड मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। जैसे मैंने बताया, मेरा नाम जिमी, कैन हैव एन इमिग्रेशन की तरफ से। कैन हैव एन इमिग्रेशन 2013 से इमिग्रेशन की सेवाएं दे रही है। जो हमारे क्लाइंट हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से नहीं है। और 2013 से जो हमारे इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं सारे के सारे टीम में, वो ICCRC के मेंबर हैं, गुड स्टैंडिंग में हैं तब से लेकर, और रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं RCIC और वैलिड लाइसेंस के साथ हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह का केस अप्लाई करना हो कनाडा इमिग्रेशन से रिलेटेड, स्टडी वीज़ा, परमानेंट रेजिडेंस, सिटीजनशिप, स्पॉन्सरशिप, असाइलम, वर्क परमिट, LMIA, किसी भी तरह का कोई केस अप्लाई करना है तो आप हमारी कंपनी से रابطہ कर सकते हैं। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि क्लाइंट को सही से सही जानकारी दी जाए लेटेस्ट रूल्स के अकॉर्डिंग, और उनका ज़्यादा से ज़्यादा समय और पैसा बचाया जाए।
धन्यवाद, थैंक यू।